स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है Insights of Science और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूं वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो एक ही टाइप का होता है जो इसका अंदर कौन सा प्रोसेस होता है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, इसे लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के बारे में भी सोचिए दोस्तों, उनको भी सोचिए कि ये भी अच्छे से CBSE एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें या फिर अपने UPSC एग्जाम में, उनके साथ भी ये वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज देखते हैं आज के सेशन में क्या है हमारे पास। तो जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो मैं आपसे इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपके आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वहाँ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बताए थे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे इनके अंदर अलग अलग न्यूट्रिटिव एपरेटस, ये वर्ड यूज किया था मैंने कि सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपना अपना एक न्यूट्रिटिव एपरेटस होता है और दो टाइप के फूड के सोर्सेज होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। अगर अभी तक आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, इस वीडियो को भी जरूर देखिए दोस्तों और सारी नॉलेज का भरपूर फायदा उठाइए। तो देखिए टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से हुए, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जल्दी जल्दी रिकॉल करिए सैप्रोफाइट्स कौन थे, मैंने आपको पढ़ाया था ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या करता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं, खाने को कहाँ ब्रेकडाउन कहाँ होता है खाने का, आउटसाइड देयर बॉडी। मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल का आउटसाइड द बॉडी। जैसे ही हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा उसके बाद वाली वीडियो में मैं आपसे CBSE के जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को जरूर लूंगी, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वो सब एज इट इज का एज इट इज एग्जाम में आ रहा है, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस मार्क कराती जा रही हूँ। तो इट इज अ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड। जी देखिए कीवर्ड्स हैं, इनको मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म एंड द फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द सिंपलर फॉर्म। तो ये सिंपल फॉर्म को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हुए, मशरूम हुए, ब्रेड मोल्ड हुआ, यीस्ट हुआ या फिर कुछ बैक्टीरियाज हुए। तो यीस्ट देखिए, अगर आप जो ब्रेड खाते हैं उसके पीछे इंग्रेडिएंट देखिएगा तो इंग्रेडिएंट में आपको एक यीस्ट एक प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट मिलेगा, क्योंकि यीस्ट का एक रोल और होता है फर्मेंटेशन में, जिसकी इस वीडियो में आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। उसके बाद दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन होता है दोस्तों पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स कौन होते हैं, पैरासाइट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि होस्ट को बिना मारे विदाउट किलिंग दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कस्क्यूटा। जी बोर्ड के अंदर आपसे ये नहीं पूछेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, या तो पूछेंगे ऑप्शंस के अंदर कि कहाँ से डिराइव होता है होस्ट, या फिर इसका जो सबसे मेजर एग्जाम्पल है वो कस्क्यूटा के ऊपर आता है कि कस्क्यूटा कौन से टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। मार्क कर लीजिए दोस्तों कस्क्यूटा को, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें पढ़ना मत भूलिए, जितने भी NCERT बुक्स में दिए हुए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ऑर्चिड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंड वर्म, टेप वर्म, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक इंपॉर्टेंट है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा व्हाई डू वी फॉल इन में, कि ये भी एक पैरासाइट ही है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, एनगल्फिंग का प्रोसेस होता है, एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड, इंजेशन ऑफ सॉलिड फूड। तो कोई भी फूड जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं और फिर उसके बाद विद इन द सिस्टम आके, बॉडी के सिस्टम में आके वो डाइजेस्ट होगा वहीं पर, तभी उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस कोई आउटसाइड नहीं है, इनसाइड है, और किसी होस्ट में भी नहीं है, जो इसको एनगल्फ कर रहा है उसी के अंदर सिस्टम है।
सेल से बना हुआ सिस्टम है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर बना हुआ है, वो उसको डाइजेस्ट करेगा। तो इनके एग्जाम्पल हैं जी, मार्क कर लीजिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये तो आपको पढ़ाया ही हुआ है। पर पैरामीशियम पे क्वेश्चन आ जाता है कि पैरामीशियम कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म कर सकता है और कैसे, तो इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस। यूं ही मेरे वीडियोस में बने रहिए, आगे वीडियो के अंदर मैं आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा और पैरामीशियम दोनों पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का, हम डिटेल्ड पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तीन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ये डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं आउटसाइड, और इनका क्या रोल है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, जो जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ वो आपको कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, और आपको ये वीडियो को सुनना है 2 से 3 बार दोस्तों, यहीं की यहीं आपको याद हो जाएगा। आपको बार बार किताब को बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरा वीडियो सुनिए, आराम से बैठ के इसमें से कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए, फोकस रखिए, आपको वहीं की वहीं ये याद हो जाएगा कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आपको कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट लिखने हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। फूड चेन में मैंने डिकम्पोजर्स बताए थे, वही क्या है, सैप्रोफाइट्स हैं। इनका रोल क्रूशियल सिस्टम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, अगर ये ना हो, मानिए हमारी पृथ्वी पर अगर डिकम्पोजर सैप्रोफाइट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, रिसाइकलिंग नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की। यानी कि ये जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कार्बन की बॉडी बनी हुई है, जब डिकम्पोजर ने इसको डिकम्पोज कर दिया तो वो न्यूट्रिएंट्स वापस से उसी लैंड के अंदर आ गए और ये सराउंडिंग को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो ये इनका सबसे ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट है, इसे आज ही याद कर लीजिए दोस्तों। ये आपके इकोलॉजी के अंदर भी ये पॉइंट्स हैं, यहीं से याद कर लेंगे तो वहाँ बहुत फ़ायदा होगा। इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द सैप्रोफाइट्स। तो इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल जो हैं इसके हैं फंजाई, बैक्टीरिया। और क्या करते हैं ये, अपने अंदर से केमिकल को बाहर रिलीज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी बॉडी जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, ऑर्गेनिक मैटर की। ये मैं अपनी आगे पहली वाली वीडियो से बोलती आ रही हूँ, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जितने भी होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके सॉल्युबल और सिंपल कंपाउंड्स में अर्थ को वापस कर देते हैं, और अर्थ इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो हवा में रिलीज हो जाते हैं, और जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स नहीं होते वो मिट्टी में मिलके उसकी ह्यूमस को बनाते हैं। फिर ये सिंपल कंपाउंड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सैप्रोफाइट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको, और इसको फिर अपनी बॉडी में एसिमिलेट करते हैं ताकि वो अपने आगे के काम कर सकें, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और भी जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं अपनी ग्रोथ में, अपनी डेवलपमेंट में, जो मैं आपको पहली वीडियो से पढ़ाती आ रही हूँ, रिपेयर में, मेंटेनेंस में, रिप्रोडक्शन में, वहाँ पर इस एनर्जी को वो यूटिलाइज कर सकें। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों, बार बार एक ही वर्ड पैरासाइट आते ही सबसे पहले दिमाग में, दे फीड ऑन होस्ट। तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर उसके एक्सपेंस पे वो अपना नरिशमेंट लेते हैं, या तो वो इनसाइड होंगे या फिर वो ऑन होंगे। तो इसका मेजर एग्जांपल है ये देखिए, कस्क्यूटा देख रहे हैं आप कैसा दिखाई देता है, और ये देखिए ये इसका प्लांट पैरासाइट है, ये प्लांट के ऊपर अपने आप को वो कर लेता है, रैप कर लेता है, और यहाँ से वो न्यूट्रिशन को डिराइव करता है दोस्तों, कस्क्यूटा। और ये क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स जो हैं वो कि होस्ट को अनहेल्दी बनाते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं पर ओकेजनली फ्रेंडली होते हैं, पर ज़्यादातर पैरासाइट जो है वो अनहेल्दी बनाते हैं होस्ट को, वीकन कर देते हैं उनको इनसाइड, किल नहीं करते, ओकेजनली किल करते हैं पर उन्हीं के साथ रहने लग जाते हैं और उनको डैमेज कॉज करते हैं।
तो इनके एग्जाम्पल है जैसे हेड लाउस है, अगर किसी के हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं हेड लाउस ह्यूमंस के अंदर अगर हो जाती है तो वो कितने परेशान होते हैं। कस्क्यूटा का एग्जाम्पल मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। डॉग्स के ऊपर अगर टिक्स आ जाए तो वो परेशान होते रहते हैं। टेप वर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और इनकी क्या होते हैं, व्हाट आर टेप वर्म्स? टेप वर्म्स आर दी पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स के टाइप देख लेते हैं। तो पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो इन रहते हैं, एक ऑन रहते हैं। मैंने अभी आपको इससे पहले वाली, जस्ट पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया इन या ऑन। तो जो इन होते हैं उनको बोलते हैं एंडो पैरासाइट्स। इन मतलब इनसाइड, एंडो पैरासाइट जो कि इनसाइड जाएंगे होस्ट के और वहां से न्यूट्रिएंट को डिराइव करेंगे, तो वो हो गए एंडो पैरासाइट्स। तो एंडो पैरासाइट्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज पैरासाइट्स रिमेन विद इन द होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी में रहेंगे और वहीं से अपना खाना लेंगे और अपनी न्यूट्रिएंट और एनर्जी, यानी कि एनर्जी और मटेरियल डिराइव करेंगे और वहीं से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे। तो एंडो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल टेप वर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया जो कि लिवर पे फीड करता है, एस्कैरिस हो गया, ये सब आपने, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, ये सब आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ लिए हैं। तो इसीलिए ये आपको CBSE में क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरे हुए एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या हो गए, जो होस्ट के ऊपर, दे विल रिमेन आउटसाइड द होस्ट बॉडी और फिर उनके ऊपर फीड करेंगे वो, जैसे कि लाइस, हेड लाउस होती है वो होस्ट के ऊपर होती है, वो निकल सकती है पर ये होस्ट के ब्लड में चले जाते हैं, इसीलिए इनको ख़त्म करने के लिए हमें एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, तभी ये डेड हो सकते हैं, अदरवाइज ये अपने आप नहीं निकलते बॉडी में से। बेड बग्स, टिक्स, मॉस्किटोज, ये सब क्या होते हैं, इनके लिए हम करते हैं घर में ऑल आउट लगा के रखते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, पार्ट ऑफ एक्टोपैरासाइट्स। अब देख लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें हम एनगल्फिंग कर रहे हैं सॉलिड या लिक्विड फूड की। तो यार लिक्विड फूड भी हो सकता है, जूसेस वगैरह लेते हैं, ह्यूमंस इसका मेजर एग्जांपल है, तो आपको पता है कि ह्यूमंस जूसेस कंज्यूम करते हैं, कोकोनट वाटर कंज्यूम करते हैं, और सॉलिड सब्सटेंस में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रोटी हो गई, दाल हो गई, वेजिटेबल हो गई, तो हम क्या करते हैं, वो सब इंजेस्ट करते हैं, इसको इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, एनगल्फ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स होते हैं होलोजोअन्स, जो मैंने आपसे आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर बताया था, वाली वीडियो में बताया था। इस टाइप के अंदर 5 स्टेप्स के अंदर ये परफॉर्म होता है, पहले डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, और लास्ट में ईजेशन हो जाता है फूड का। तो पहले जब सब्सटेंस आता है, केमिकल रिएक्ट करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू, ब्लड की कैपिलरी से हर जगह पर भेजा जाता है, और फिर वो स्टोर फॉर्म के अंदर रिजर्व हो जाते हैं, इंटरनल एनर्जी रिजर्व की फॉर्म के अंदर, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पहुँचाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इजेस्ट हो जाता है। तो इसके प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इंजेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलर फॉर्म के अंदर, जैसे कि शुगर हो गई, उसमें ट्रांसफॉर्म होता है। जब उन पे क्या रिएक्ट करते हैं दोस्तों, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है। और इनके एग्जाम्पल क्या हुए, ह्यूमन हो गया, अमीबा हो गया, ये क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म भी देख लेते हैं हम। पहले हमने पढ़े टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और उनके कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, और होलोजोइक के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से हुए होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, हर्बीवोर्स, जो किस पे फीड करते हैं, जो कि फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टली ऑन द प्लांट। वो किस पे रिलाय करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, प्लांट्स के, उनका न्यूट्रिटिव एपरेटस अलग है, प्लांट्स को खाते हैं। इनकी बहुत रेंज हो सकती है, टाइनी इंसेक्ट से लेके एक लार्ज एलिफेंट के जैसा हो सकता है, और इनको हम फूड चेन के अंदर बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। इनका ट्रॉफिक लेवल या फिर इनकी पोजीशन फूड चेन में हमेशा सेकंड होती है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन होती है प्लांट्स की, और प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं,
और इनके एग्जाम्पल्स हैं काओ, बफेलोज, डियर, एलिफेंट्स। उसके बाद हर्बीवोर्स को जो खाने वाले हो गए, यानी कि अब फूड क्या हो गया, मोबाइल हो गया, पहले स्टेशनरी था, तो इनको खाने वाले कौन है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या खाते हैं, मीट खाते हैं या फ्लैश खाते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर थे। ये क्या बने, सेकेंडरी या फिर टर्जरी कंज्यूमर। या तो फूड चेन जो है सेकेंडरी कंज्यूमर पे खत्म हो जाएगी या टर्जरी कंज्यूमर तक खत्म हो जाएगी। और ये कब आते हैं, ये हर्बीवोर्स के बाद के ट्रॉफिक लेवल पर ये आते हैं। इनके अंदर एग्जांपल्स हो गए लायन, टाइगर, लेपर्ड्स एक्सेट्रा। तो अब हम देख लेते हैं और थर्ड टाइप का कौन हो गया, अब जो दोनों को खा लेता है, यानी कि प्लांट भी खा लेता है और ये क्या खा लेता है, प्लांट के अलावा एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो इसका मेजर एग्जांपल तो ह्यूमन बीइंग्स है, जो कि आप जानते हैं अपनी लाइफ डे टू डे एग्जांपल से। तो ये कंज्यूम करते हैं प्लांट भी और एनिमल्स भी, और ये आते हैं कौन से लेवल पे, टर्जरी ट्रॉफिक लेवल पे। मतलब पहले था प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद किस पे आइए, टर्जरी ट्रॉफिक लेवल पर आए फूड चेन में। और इनके एग्जांपल वो ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, बियर, एंट्स, कॉकरोचेस, पिग्स, वल्चर्स, चिंपैंजी एंड रेकून्स। और स्केवेंजर्स कौन हुए, स्केवेंजर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, चाहे उसमें कोई मीट हो जाए या फिर कोई रॉटेड प्लांट मटेरियल हो जाए। इनके एग्जांपल जेकॉल, हाइनाज और वीन वॉल्स होते हैं। और जो डेट्राइटिस फूड चेन होती है उसकी फर्स्ट लेवल में आते हैं, कि जो सबसे पहले डेड और डिकेइंग बायोमास को खाते हैं वो कौन हो गए, स्केवेंजर्स। तो दोस्तों अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन है कि क्यों हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। अगर आप 11th क्लास में कोई और सब्जेक्ट भी ले लें, अगर आप साइंस भी ले लें, कि साइंस नाले कोई और सब्जेक्ट भी ले लें, तो भी आपको अपने देश की ये इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि देखिए हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके अंडर में आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंट्रिक डिजीज़। तो देखिए कॉलेरा अपने आप में इतनी बड़ी बीमारी है, इसके ऊपर पूरा एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, और एंटरिक डिजीज़ जो कि इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यहाँ पर पूरी रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, और यहाँ पर रिसर्च होती है सारे एंडोपैरासाइट्स के ऊपर और भी रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। और ये देखिए ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, हेल्थ रिसर्च के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है जो। और एक और इंस्टीट्यूट है CSIR, वहाँ पे माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी होती है, पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं, बैक्टीरियाज के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए बहुत जगह जगह पे अलग अलग पोजीशन पे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जो कि ये तो आपके पास बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आई है, और वो इन ऑर्गेनिजम्स को कल्चर कर रहे हैं, कल्चर करके खुद अपनी लैब के अंदर एक एक ऑर्गेनिज्म की पूरी मॉर्फोलॉजी, कैसा ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, क्या क्या उसकी एक्टिविटी है, कैसे कैसे उसने हार्म पहुंचाया, कौन कौन से केमिकल रिलीज करता है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इन इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च पेपर के अंदर आपको मिलती है, जब साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं तब। होपफुली आपको मेरा वीडियो आज का ज़रूर पसंद आया होगा, नॉलेज कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है इसके बारे में भी आपको पढ़ के जानकर अच्छा लगा होगा, कि कल को अगर आप साइंस ले लेते हैं और रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो होपफुली अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।